एक बड़ी अनफॉर्चुनेट जिहड़ी वारदात हुई है जिहदे विच कल रात सानू 11 बजे ते 112 ते सुरेंद्र सिंह नाम दे बंदे ने कानपुर पिंड दे विचों कॉल कीती सी वी तीन बच्चियां जिहड़ियां उह मिसिंग ने। जो रात नूं साडा सब इंस्पैक्टर मेजर सिंह जिहड़ा मकसूदा थाने तों SHO ते DSP साहब ने उहनूं इमीजिएटली भेजिआ और उत्थे जा के जदों कैमरे देखे ते बच्चे कितें वी बाहर नहीं सी जा रहे और बच्चों के गुम होने बारे पता नहीं सी लग रहा और जिहड़े नेड़े बुलंदपुर नहर है सवेरे 3-4 बजे तक ही लभदे रहे पर कितें भी बच्चे मिले नहीं। जो सवेरे 6:30 बजे जो साडे सब इंस्पैक्टर उत्थे दोबारा गए उन्होंने जाके देखा भी एक ट्रंक के विच तीन बच्चे जिहड़े आ उन्होंने डेड बॉडीज पईआं सी। जो उन्होंने पूछण ते उन्हें दस्सिया भी कितें खेडते खेडते ये वड़ गए होने हैं। जो उसके सारे सीनियर ऑफिसर इनकलूडिंग मी असी मौके पर गए जो उत्थे आंढी गुआंढियों ने भी शक प्रगट किया भी ये बच्चे जिहड़े ये वड़ नहीं सकते और सानू भी यही चीज़ लगी। जो ये सारी जो इन क्वेश्चनिंग की गई वो पेरेंट्स में सुशील मंडल है जिहड़ा ते उहदी वाइफ जिहड़ी मंजू देवी है उन्होंने दस्सिया भी साढ़े पांच बच्चे सीगे जिहदे विचों तीन लड़कियां सीगियां अमृता कुमारी साक्षी कुमारी ते कंचन ते दो उस तो छोटे बच्चे अनुष्का ते सनी। ये जिहड़ियां तीन बच्चियां मरिया ने सीगियां अमृता साक्षी ते कंचन 9 साल 7 साल से 4 साल दियाँ। गरीबी कारण ये बंदा लेबर करता सीगा उन्हों का पालन पोषण नहीं सी कर सकता। इन्हें जिहड़ी झोने ते स्प्रे करन वाली दवाई आउंदी आ उह सवेरे कल 7 बजे दुध दे विच मिला के तिना बच्चों पिला के जदों बेहोश हो गए तो संदूक दे विच बंद करके उत्थे रख के आ काम ते चला गया और रात नूं भी जिहड़ा ये कंप्लेंट करके कुछ नहीं सीगा जिहड़ा इहदा मकान मालक है उन्हें ही पुलिस नूं जिहड़ी ये कंप्लेंट कीती सी जिस ते पुलिस उत्थे गई सी और ये हुण इन्हां तों पुछगिछ कीती इन्होंने आपका जिहड़ा जुर्म है कबूल कर लिया। असीं इन्हां दे उत्ते FIR नंबर 112 अंडर सैक्शन 302 201 34 IPC रजिस्टर कर लिया और इन्हां दी असीं अरैसट पा रहे हैं। और ये जिहड़ी सब तो अनफॉर्चुनेट जिहड़ी ये घटना साडी इत्थे हुई है और ये ये भी चीज़ सामने आई है भी जे अज इनू ना इत्थे अरैसट किया जाता जां ना फड़िया जाता ट्रंक समेत इन्हें अज खाली करके वो कमरा उत्थे चले जाना सी और ये बिहार का रहने वाला। वजह की रही सर, वजह की रही सर, वो सारा जो भी कर रहा सीगा बचन का कर रहा है क्योंकि पुलिस नूं पता लग गया सीगा भी इहदे कमरे च ही है बच्चे बाहर गए नहीं गए क्वेश्चनिंग इहनूं शुरू हो गई सीगी इन्हें ये चीज़ नूं डाइवर्ट कर लई है सारा कुछ किया। हाँ इन्हां नहीं अजे तक जिहड़ी पुछगिछ आई है दोनों का ही रोल है दोनों ने मिल के सलाह करके और वजह रंजिश यही है भी गरीबी तो तंग आके जिहड़ा इन्हें ये करा के नहीं तिना का तिना का ही सीगा दोनों बच्चों को कहते सी असीं पाल लांगे तीन इन्ने बच्चे आपां पाल लईए। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨੀ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਰੱਖਦਾ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਤੌਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਮਰੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।